नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर फिर से हम हाजिर हैं। जमशेदपुर के साक्षी में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स रैफ ने संयुक्त रूप से पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एएसपी सिटी शुभांशु जैन, साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार, एसआई रोहित कुमार और रैफ के डिप्टी कमांडेंट पतरस पूर्ति के अलावे रैफ के जवान शामिल रहे। ये फ्लैग मार्च साक्षी थाना से निकलकर बड़ा गोल चक्कर से होते हुए रामलीला मैदान, काशीडी हाई स्कूल, काशीडी दुर्गा पूजा मैदान से होते हुए वापस साक्षी गोल चक्कर पहुंची। फ्लैग मार्च के आगे पीसीआर वाहन और उसके पीछे रैफ की एक वाहन थी, जिसके पीछे रैफ के जवान हथियार ले हुए चल रहे थे। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य रैफ को साक्षी के संवेदनशील इलाकों से रूबरू कराना था, ताकि आपातकालीन स्थिति में जवानों को इलाकों के बारे में जानकारी हो और वो तत्काल एक्शन ले सके। बर्मा माइंस थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाल बाबा फाउंड्री के समीप से किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बनाते 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम राजू प्रसाद, राहुल कुमार यादव, जे यादव और रोहित भुइया बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 1.315 बोर का जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया है। इसकी जानकारी एसएसपी प्रभात कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। बड़ी सफलता अर्जित की गई है। जमशेदपुर पुलिस को एटीएस झारखंड पुलिस के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जमशेदपुर में कुछ अपराधी किसी की हत्या करने की प्लान से घूम रहे हैं। उस पर एटीएस और जमशेदपुर पुलिस का एक विशेष टीम बनाया गया था, जिसका नेतृत्व सिटी एसपी जमशेदपुर कर रहा था। उस टीम में विशेष करके एएसपी सिटी, बर्मा माइंस के थाना प्रभारी और बिरसा नगर के थाना प्रभारी और उनके साथ बर्मा माइंस, बिरसा नगर और अन्य थाना के कुछ पदाधिकारी शामिल थे। ये दोनों प्रतिष्ठानों के ज्वाइंट एफर्ट से हम लोग एक जमशेदपुर में बहुत बड़ी घटना को होने से पहले ही रोक लिए। इसमें कुल 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इनका पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 1 कारतूस और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त विजया जाधव लगातार टूना सबर के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हासिल कर रही है। रात दिन उपायुक्त हर स्थिति का जायजा ले रही है और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रही है। गौरतलब हो कि टूना सबर चलने फिरने में असमर्थ थे और कई दिनों से बीमार थे। उपायुक्त के संज्ञान में टूना सबर के विषय में जानकारी आने के पश्चात ही तत्काल प्रखंड से एक टीम को दंपा बेड़ा भेजा गया। चिकित्सकों की टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद सीएचसी डुमरिया लाने का निर्णय लिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। टूना सबर को चर्म रोग हो गया है, वहीं उनकी पत्नी एनीमिया से पीड़ित है। देर रात उपायुक्त ने अस्पताल पहुंचकर एमजीएम से 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करवाई। एनएस एवं बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ब्लड भी चढ़ाया गया। मंगलवार सुबह पुनः उपायुक्त सदर अस्पताल पहुंची और टूना सबर व उनकी धन पत्नी का हाल चाल जाना। इस दौरान जिले के सिविल सर्जन जुझार माझी समेत सबर दंपत्ति का इलाज कर रहे चिकित्सक, एमजीएम अस्पताल के चिकित्सक मुख्य रूप से शामिल थे। उपायुक्त ने साफ तौर पर जिले के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की कोई जरूरत पड़ने पर उन्हें खबर करने का निर्देश भी उपायुक्त ने दिया है। जानकारी देते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि अक्टूबर माह में चावल की खेती के दौरान टूना सबर चर्म रोग की चपेट में आ गए, जिसकी जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी।
संज्ञान में आते ही उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां नॉर्मल डाइट अभी वे नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से उनको लिक्विड डाइट दिया जा रहा है। चर्म रोग विशेषज्ञ के साथ साथ एमजीएम के डॉक्टर भी यहां मौजूद हैं, जो पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि डाकिया योजना के तहत हर सुविधा, खासकर खाद्यान्न सुविधा और हेल्थ कैंप समेत हर योजनाओं से उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टूना सबर और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाओं पर निगरानी रखी जा रही है, बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द वे दोनों स्वस्थ होकर घर लौट जाएंगे। तो अभी हम इनको इलाज भी दिला रहे हैं। एमजीएम के डॉक्टर्स की और खासकर स्किन स्पेशलिस्ट की टीम यहाँ पे आई हुई है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि नॉर्मल डाइट एकदम से शुरू करेंगे तो बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट इमीडिएटली, तो लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स ही दिए जा रहे हैं। अभी फ्रूट जूस उन्होंने दिया है, उन्हें कुछ प्रोटीनिक्स मंगाया है, बोन मीटा मंगा है, दूध में मिक्स करके उनको दे रहे हैं। गाँव में मैडम किस तरह की सहायता और जो परिवार है, सबर परिवार ले रहे हैं? सी डाकिया योजना के तहत सबर लोगों को ऑलरेडी कवर किया ही जा रहा है। जैसे अभी हम इसका रिव्यू ले रहे हैं, हम हर महीने भी हमने जितने समर कैंप आयोजित किए हैं, सारे सबर कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो और खाने के अनाज की पूर्ति जो है, अगर उनका आधार भी नहीं होता है तो रजिस्टर के अगेंस्ट, उनके अंगूठा के अगेंस्ट भी खाद्यान्न पहुँचाना है। कुछ लोग जो छूट रहे हैं या कुछ जो नॉन पीवीटीजीएस बन के भी अनाज ले रहे हैं, उनका नेम बीडिंग आउट करने का काम शुरू है। बाकी रेगुलरली तो हेल्थ कैंप हो ही रहा है। अब ये इनका खेत में पानी से क्या जो इन्फेक्टेड पानी से इनका इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो ये स्थिति ऐसी हो गई है। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में पीडीएस डीलर 3 दिनों के हड़ताल पर चले गए हैं। इनके द्वारा इन दिनों राशन वितरण का कार्य पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी सभी डीलर हड़ताल पर हैं। जमशेदपुर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है। इनके द्वारा सरकार की मनमानी के खिलाफ मानगो में प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अनुकंपा की प्रक्रिया को फिर से लागू करे, साथ ही डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि में वृद्धि करे। कुल 11 सूत्री मांगों को इन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। इन्होंने कहा कि पहले चरण में आज से 3 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और अगर सरकार इनकी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो आगे इनके द्वारा अनिश्चितकालीन बंदी कर दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर कमेटी के द्वारा 7-8-9 तीन दिन का पूरा भारत के जन वितरण प्रणाली पोस्ट मशीन बंद रहेगा 3 दिन, 7-8-9। और इसी तरह जो हमारी मांग है, सरकार राशन डीलरों को, देश में 5 लाख से अधिक राशन दुकानदार हैं, जो सरकार दुकानदार पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी के आह्वान पर आज पूर्वी जिला में 1485 डीलर हैं, जो आज से लेकर 3 दिन तक राशन दुकान अपना बंद रखेंगे, राशन का वितरण नहीं करेंगे। 18 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार को एक अल्टीमेट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा था कि हम लोग को जो पैसा मिलता है, सरकार जो कमीशन देती है, उसमें हम लोग घर परिवार को चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसमें मार्जिन मनी बढ़ाने के बाद थोड़ी मनोदय 50,000 रुपया किया जाए, ताकि एक हम लोग घर गृहस्थी चलाने में सफल हो। दूसरा था कि पूरे राज्य में कहीं कहीं अलग अलग स्टेट जो है, कहीं अनुकंपा बंद किया हुआ, अनुकंपा चालू किया हुआ, तो राज्य सरकार से गुहार लगाइए कि जहां पर अनुकंपा को 60 साल के बाद जो रोका है उसको चालू किया जाए, क्योंकि हम लोग का मांग सब जायज है। इसमें सरकार को आनाकानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक सरकार के अंग की तरह काम कर रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि हमको सरकार के एक अंग मान करके हमको सुविधा देना चाहिए। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद जिले के 218 एएसआई को इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति मिली है। मंगलवार को गोलमोरी पुलिस केंद्र में आयोजित पासिंग परेड कार्यक्रम में एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी प्रोन्नत इंस्पेक्टर को प्रशस्ति पत्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। एसएसपी ने बताया कि इस दौरान सभी प्रशिक्षु एएसआई को इंडोर एवं आउटडोर प्रशिक्षण दिया गया है। करीब 30 साल के बाद एएसआई को इस तरह का प्रशिक्षण मिला, जिसकी सराहना एसएसपी ने अपने संबोधन में की।
एसएसपी ने इन्हें प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों की भी सराहना की। इसके अलावा मार्च पास्ट और बैंड की भी एसएसपी ने सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कांड के अनुसंधान से लेकर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है ताकि वे बेहतर अधिकारी बन सके। उन्होंने सभी अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर सेवा देने की शुभकामनाएं दी। टोटल 218 एएसआई को ट्रेनिंग दी गई थी 8 सप्ताह की, इसमें 6 सप्ताह इंदौर और 2 सप्ताह आउटडोर। इसमें मैक्सिमम नंबर जिला वर्ग से, उसके बाद रेल जंपशिप सिटी सी मुशावरी और सीआईडी के नोडल अधिकारी, ये सब नेक्स्ट लेवल पर प्रमोशन के कगार पे हैं। हम एएसआई सब इंस्पेक्टर बनने वाले थे, इसी कड़ी में इनको और कानूनी रूप से और जानकारी देने के लिए जो एस्पेक्ट होता है पुलिसिंग का उसकी जानकारी देने के लिए आउटडोर में इनको रिफ्रेस करने के लिए ये ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। आज उस ट्रेनिंग की अंतिम कड़ी में इनका फर्स्ट ऑफ परेड किया गया था। फर्स्ट ऑफ परेड काफी अच्छा रहा और इन लोगों के द्वारा जो हमारे एएसआई हैं, जैसा मैंने बताया कम से कम 30 साल की सर्विस पुलिस में कर चुके हैं, इसके बाद 8 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद इतना बढ़िया ट्रेन में सभी आदमी जो शामिल थे और जे ऑफिस के सामने अभी खड़ा होंगे, आप लोग का फोटो शो भी होगा जे ऑफिस के सामने। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।